नमस्कार विद्यार्थियों, SBP गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पिछले 3 लेक्चर में नेशनल इनकम पर डिस्कस कर रहे हैं, आज इसको ख़त्म करेंगे और राष्ट्रीय आय संबंधी जो अवधारणाएं हैं उनमें 3 और महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जिनकी आज चर्चा करेंगे। जैसा हमने पहले डिस्कस किया है कि राष्ट्रीय आय किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है, जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है, और राष्ट्रीय आय को ही हम साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, जिसके अंदर लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ आदि सम्मिलित होते हैं। और जब हम इसकी गणना साधन लागत पर करते हैं तो इसमें से अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स घटाते हैं और सब्सिडी, जिसको हम आर्थिक सहायता कहते हैं, उसको जोड़ा जाता है, और ऐसा करने से ये हमको साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। ये हमने पहले चर्चा कर ली है। आज हम बात करते हैं इससे जुड़ी हुई जो दूसरी अवधारणा है, निजी आय, प्राइवेट इनकम। निजी आय से हमारा सामान्य अभिप्राय, हमारा अर्थ निजी व्यक्तियों द्वारा अर्जित आय से होता है, जिसमें अन्य स्रोतों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है, निगमों के जो अवितरित लाभ है वो भी सम्मिलित होते हैं, सामाजिक सुरक्षा अंशदान, सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ और बचतें, इनको इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो यदि हम सूत्र के रूप में देखें प्राइवेट इनकम, तो नेशनल इनकम में हस्तांतरण भुगतान, जिसमें पेंशन है जो उस वित्तीय वर्ष में कार्य के बदले में नहीं मिलती है, उसे जोड़ा जाता है, सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज को जोड़ा जाता है, और सामाजिक सुरक्षा अंशदान और सार्वजनिक उपक्रमों का लाभ या बचतें, इसको घटा दिया जाता है। अब जो हमें प्राप्त होगा वो प्राइवेट इनकम है, निजी आय। निजी आय के साथ हमारी जो दूसरी अवधारणा है वो है पर्सनल इनकम, व्यक्तिक आय। देखने में निजी आय जैसा ही लगता है, लेकिन ये भी निजी व्यक्तियों द्वारा ही एक वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित आय है। इसमें भी अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली जो प्राप्तियां हैं, जो आय है, उसको जोड़ा जाता है, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो प्रत्यक्ष कर है, जैसे इनकम टैक्स, वो देने से पूर्व की आय है। इसको सूत्र के रूप में देखें तो राष्ट्रीय आय में हस्तांतरण भुगतान, सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज दोनों को जोड़ते हैं, निजी निगमों के जो अवितरित लाभ है, लाभ पर कर है, सामाजिक सुरक्षा है, इस सब को इसमें से घटा दिया जाता है। निजी आय का एक जो दूसरा भाग है, जिसको हम कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, खर्च करने योग्य आय या व्यक्तिक प्रयोज्य आय, इसमें हम इसको संपूर्ण निजी आय के रूप में देख सकते हैं, लेकिन हम एक वित्तीय वर्ष में जो कुछ कमाते हैं वो हमारी निजी आय होती है, लेकिन अगर उसके ऊपर टैक्स बनता है तो उस निजी आय को हम प्रयोज्य आय नहीं कह सकते। यदि हमारे पर कोई सरकारी जुर्माना लगा हुआ है, कोई फीस लगी है, तो वो उस निजी आय में से घटाएंगे। हम अगर इनकम टैक्स के प्रत्यक्ष कर के किसी दायरे में आते हैं तो वो भी उसके अंदर से घटाएंगे, यानी व्यक्तिक आय में से प्रत्यक्ष कर और सरकारी फीस जुर्माने घटा देते हैं, तो अब हमको
जो आय मिलती है वो हमारी खर्च करने योग्य आय होती है। ऐसा ही राष्ट्रीय आय से एक और संबंधित अवधारणा है जो बहुत प्रचलन में है, वह है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, जो राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने पर प्राप्त होती है। अब तक हमने ये नेशनल इनकम का पूरा टॉपिक डिस्कस किया है, आगे हम इसका मेजरमेंट डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।